नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राय बहादुर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट एट द डेट द क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 2017 valued 25,000. This one is opening stock, क्योंकि ये है 1/4/2016 का, यहाँ पे इसने डेट दे रखी है। और ये जो मैं ट्रायल बैलेंस बनाना वो बनाना है 31 मार्च 2017 का। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ये आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें दे रखा है स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, फ्राइट एंड कैरेज, वेजेस, सैलरीज, रिपेयर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, कैश इन हैंड, बीआर, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, विड्रॉल्स, ड्राइंग्स, बैंक डिपॉजिट एंड क्रेडिट आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, सेल्स, कमीशन, कैपिटल, इंटरेस्ट एंड ऑन बैंक डिपॉजिट एंड बीपी, बिल्स पेबल। तो दोस्तों अभी हमने आपको ट्रायल बैलेंस दिखाया, अब आप भी हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है, तो अब उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। दोस्तों अब अपने आप भी इस क्वेश्चन को करिएगा और देखिएगा कि आपने कितने आइटम्स पर्टिकुलर जगह पर लिखे हैं। तो दोस्तों इसमें हम आधे पार्ट को ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, आधे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो पहली आइटम है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की स्टॉक 1/4/2016, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा 20,000 का, तो दोस्तों हमने पहले ट्रायल बैलेंस में से ये देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी कौन सी आइटम आएंगी। इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक 20,000 रूपए, परचेजेस की हमारे 75,000 की, जो डेबिट बैलेंस होती है, परचेज रिटर्न होती है हमारी क्रेडिट बैलेंस, तो हमने उसमें से लेस कर दी। परचेज रिटर्न होती क्या, जो हमने माल खरीदा था उसमें से कुछ माल हमने वापस कर दिया, वो होती है हमारी परचेज रिटर्न, तो ये होगी हमारी 72,000। फिर है फ्राइट एंड कैरेज, यानी कि जो हमने भाड़ा दिया है वो है 75,000। इसके बाद हमारी वेजेस 36,500, यानी कि 36,500। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड, सेल्स है हमारी 2,50,000 रूपए की और सेल्स रिटर्न है वो है हमारी 8,000 की, जो हमने माल बेचा था उसमें से कुछ माल हमारा वापिस आ गया उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करके हमने 1,200 कर दिया, 2,42,000 रूपए। बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ये हमें ट्रायल बैलेंस में ऊपर दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा वो है 25,000 रूपए का। अब हमने इस साइड का टोटल कर लिया, उसके बाद इस साइड का टोटल कर लिया, यानी कि जो हमारी इनकम हुई थी उसमें से हमने एक्सपेंसिस साइड है हमारी उसका टोटल करके लेस कर दिया एक्सपेंसिस, तब हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,000 रूपए। अब हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों अब हमने किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में है सैलरीज 12,000, रिपेयर्स 1,200, ट्रेड एक्सपेंसेस 4,000, रेंट रेट एंड टैक्सेस है हमारे 24,000 के। इसके बाद हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आया था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में 1,31,000 रूपए। बाय कमीशन हम इस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट में देने का मतलब है कि ये हमारी इनकम है, अगर इसको डेबिट साइड दिया होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको डेबिट साइड में दिखाते, क्योंकि उसका मतलब होता है कि ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, अभी हमारे लिए एक रिसिप्ट है इसीलिए इसको हमने इसके क्रेडिट साइड में लिखा है। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो हमने लिखा है 2,000 रूपीज इस क्रेडिट साइड में। अब इस साइड का टोटल करके हमने, यानी कि हमारी जो इनकम थी उनको हमने टोटल किया
उसमें से हमारे एक्सपेंडिचर्स को लेस किया, जो इसमें बैलेंस आया उसको हमने लिखा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 95,100, तब इसका हमने टोटल किया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अब इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है इसको हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, जैसे कि हमने आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बताया था। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अब हमने बनाई है बैलेंस शीट एज डेट 31 मार्च 2017। ये साइड है लायबिलिटीज एंड दिस वन इज एसेट साइड। तो हमारे जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स थे डेबिट साइड में वो बिल्स पेबल सन्डरी क्रेडिटर्स और एंड कैपिटल, उसने हमने लिख लिया लायबिलिटीज में। और जो हमारे क्रेडिट साइड में थे कैश इन हैंड बीआर सन्डरी डेटर्स क्लोजिंग स्टॉक बैंक डिपॉजिट एम्प्लांट एंड मशीनरी, इनको हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पहुंचते हम कैपिटल दे रखी थी 1,70,000, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है नेट प्रॉफिट, जैसा कि हमने आपको फॉर्मेट में बताया था। ये नेट प्रॉफिट आया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमने इसमें सेलेस किया ड्रॉइंग्स 16,600 रूपए जो हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का हमेशा इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गलती हुई है हमसे। तो दोस्तों सारे आइटम्स मिलाने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितने आइटम्स आपने करेक्ट लिखे थे। तो दोस्तों अब हमने आपको दिखाया एक क्वेश्चन जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपने क्वेश्चन में कितने आइटम्स को ठीक पुट किया, लेकिन कभी भी अपना क्वेश्चन करने से पहले कि कोई गलती ना हो तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के आइटम्स को और क्रेडिट के आइटम्स को पहले ही मार्क कर लीजिए कि ये जो हमारे आइटम्स है ये कहाँ कहाँ पर पुट होंगे, ताकि आप जब इन आइटम्स को पुट करते हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही में बेल आइकन दिया हुआ उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।